हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ हॉलो स्टील पाइप्स फॉर बिलिंग। अगर आप बिलिंग करते हो अपनी साइट पे और हॉलो पाइप्स का काम हो रहा है, हॉलो स्टील पाइप्स का काम हो रहा है, तो उसका वेट निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका जो कॉस्टिंग निकलता है वो वेट के हिसाब से आप लोग पेमेंट करते हो। ठीक है, तो आपको ये बहुत जरूरी है पता करना कि उसका वेट कैसे हम लोग निकालेंगे बिना उसको तोले, बिना उसको मापे। ठीक है, तो इसी पे आज डिटेल वीडियो में मैं छोटा सा एक वीडियो रहेगा जिसमें बताऊंगा कि आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे कैसे नहीं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको यूज करना है। ठीक है, हॉलो का मतलब समझ रहे हो ना, खोखला पाइप। ठीक है, जस्ट इसका थिकनेस रहेगा, आर पार दिखेगा, इस पार से देखोगे तो उस पार दिखेगा पूरा पाइप का। ठीक है, तो उसे हॉलो बोलते हैं। जो आम आदमी है उन लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंजीनियर्स है वो तो समझते ही है। तो देखिए हॉलो पाइप कैसे होता है। एक तो ये लंबा पाइप है, समझ लीजिए। ठीक है, ये पाइप है। अब जब इसको आप इधर से देखोगे, इस एंगल से देखोगे पाइप को, तब ये गोल टाइप का दिखेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। और ये हो गया सॉलिड पाइप, ताकि आर पार नहीं दिख रहा है। हॉलो किसको बोलेंगे, जिसका एक थिकनेस होता है, जैसे फायर का पाइप हो गया या प्लम्बिंग पाइप हो गया, कोई भी पाइप अगर देखते हो तो वो हॉलो पाइप होता है। ठीक है, तो ये देखिए, जिसका ये पार्ट आपका स्टील है, समझ गए, मतलब ये थिकनेस ऑफ आपका पाइप है। चलिए, हमको इसका वेट निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो डायमीटर पता होना चाहिए और एक लेंथ पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो स्टील यहाँ पे निकालने वाले हैं उसको हम लोग मान लेते हैं 3 मीटर का, 10 फीट का एक पाइप है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है मेरा, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर का पाइप का हम लोग स्टील निकालेंगे। मैं 3 मीटर का यहाँ पे निकाल कर दिखा दे रहा हूँ एक फुल लेंथ पाइप का, बट आप लोग साइड पे निकालोगे तो आपको क्या करना, 1 मीटर का पहले निकाल लेना, उसके बाद जितना भी मीटर आप लोग का काम हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 1 मीटर का कितना केजी अगर आप निकाल लेते हो, तो 10 मीटर का अगर निकलता है, 1 मीटर के लिए जो निकला है उसका अगर मल्टीप्लाई करोगे सेशन के साथ में निकल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, देखो। ठीक है, 3 मीटर। अब आपको पता क्या होना चाहिए इसमें, ये जो सर्कल पाइप, सर्कुलर पाइप है ना, इसका आपको डायमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायमीटर पता होना चाहिए और अंदर का भी डायमीटर पता होना चाहिए, दो डायमीटर। एक तो आपको फुल लेंथ ये डायमीटर पता होना चाहिए पाइप का, पूरा आउटर टू आउटर डायमीटर ये वाला। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कैपिटल डी, और मान लेता हूँ ये 200 mm का है। ठीक है, 8 इंची 200 mm मान लेता हूँ। अब अंदर वाला डाय आपको पता होना चाहिए, मतलब पाइप के अंदर अंदर का, वो कितना है, इसको मैं मान लेता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे टाना और ये यहाँ पे टाना। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है 190 mm। ठीक है, 190 mm। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग इसको फॉर्मूला पुट करते हैं। तो वेट निकालने के लिए आप लोग मेरा जो चैनल फॉलो करते हो उन लोग को तो पता ही होगा, दो चीज लगता है हमें निकालना। एक तो आपको वॉल्यूम निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा डेंसिटी से। किसका डेंसिटी, जो मटेरियल है आपका, तो यहाँ पे स्टील हमारा मटेरियल है तो डेंसिटी ऑफ स्टील लिखेंगे। ठीक है, पहले वॉल्यूम निकालते हैं फिर डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करेंगे हम लोग। तो वॉल्यूम अगर निकालोगे ना इसका, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम निकालना है हमें, फॉर्मूला ये होता है पाई डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ। लेंथ कौन सा, लेंथ ऑफ पाइप। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है, जो मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी। तो एक्चुअली स्मॉल डी कैपिटल डी को बोलेंगे क्या, कैपिटल डी है हमारा एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, और स्मॉल डी आपका क्या है, इंटरनल डायमीटर। किसका, पाइप का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अभी कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करना है। अब हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो सबका यूनिट सेम होना चाहिए। चलिए पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है, 3.14 बैठा दिए। डी स्क्वायर, कैपिटल डी हमारा क्या है, 200 mm। हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेट मीटर में करेंगे। ठीक है, मतलब सारा यूनिट को मीटर में रखेंगे। तो डी स्क्वायर जो है यहाँ पे 200 mm है, इसको मीटर में ले जाओ 1000 से डिवाइड करके तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो 0.2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, स्मॉल डी कितना है,
190 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 0.19 मीटर होगा, ठीक है। ऐसे ये वाला 0.2 मीटर होगा, तो 0.19 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ ऑफ पाइप हम लोग यहाँ पर कितना पकड़ रहे हैं, 3 मीटर, ठीक है, तो 3 बस। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने झुंझुन्ना से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है मेरा झुंझुन्ना, आपका झुंझुन्ना से आप अपने से कर लो, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 3.14 इंटू ब्रैकेट ओपन 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.19 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4। तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखना, ये कुछ इस तरीके से आएगा, 9.1845 इंटू 10 to the power -3। इसको देख के आप लोग डर मत जाना, इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये पॉइंट, ये 3 है ना, -3, माइनस मतलब ये पॉइंट जो है पीछे की तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे। कब तक शिफ्ट करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, 3 बोला है तो 3 स्टेज में जाएंगे, इसको 1 2 3 ऐसे रख दो, ठीक है, ऐसे बना दिए। अब ये जो सेमी सर्कल बना है ना, इसकी जगह पे 0 बैठाओ, 1 2 बस। अब इससे पहले आपको पॉइंट डाल देना है, ठीक है, बस ये वैल्यू आपको बन गया। तो क्या बना, देखिए पॉइंट, पॉइंट से पहले 0 बैठा देते हैं, 2 0 9 1 8 4 5 इतना क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम तो मेरा निकल गया, अब निकालना है डेंसिटी ऑफ स्टील। तो डेंसिटी ऑफ स्टील आप लोग सभी जानते हो कितना होता है, डेंसिटी कितना होता है स्टील का, 7850 kg/m³, ठीक है। ये वेरी करता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट उसको मानना नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू यही है 7850, इसको लेके ही हम लोग करना है, ठीक है। बस इस डेंसिटी वाले को क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, डेंसिटी ऑफ स्टील भी पता चल चुका है। तो वेट क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये वाला आ गया, 0.009 1845 इंटू 7850, 7850 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा देखिए, 0.009 1845 इंटू 7850, 7850, तो ये देखिए 72.098 इतना केजी आ गया। ये हमारा स्टील का वेट निकल गया, एक हॉलो स्टील का वेट निकल गया जिसका लेंथ है 3 मीटर। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से 1 मीटर का निकाल लो पहले, 1 मीटर का निकाल के रख देने से क्या होता है, आप जितना भी मीटर का आप निकालो ना, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो वेट निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही है कुछ, वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। यहाँ स्क्रीनशॉट तो मिलेगा ही आपको, मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, मेरा 2 वेबसाइट है, एक हिंदी में ब्लॉग है और एक इंग्लिश में भी ब्लॉग है। हिंदी में अगर देखोगे तो www.civilofficial.com और इंग्लिश में जो है वो learningtechnologyofficial.com, दोनों का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, आप अपना सवाल कमेंट में डाल दो ताकि उसमें मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है। और मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो ना करना मत भूले, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर रहता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि बहुत कुछ वहां पे पता चलता है तो वहां पे डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो छोटा छोटा चीज है वो तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ, वो वहां पे डाल देता हूँ, ठीक है, फेसबुक पेज पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बस वीडियो देखते जाओ और सीखते जाओ, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में फिर कुछ नया लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।